राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राजा जी का ढाबा डॉट कॉम में। आज मैं आप लोग का साथ शेयर करने जा रहा हूँ दम आलू की रेसिपी। बनाना बिल्कुल ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो इस तरह से बनाए दम आलू, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका दम आलू कैसा बना। ये देखिए, लाल वाला आलू हम लिए हैं दम आलू बनाने के लिए। आप कोई भी आलू ले सकते हैं, लाल आलू भी दम आलू बनाने के लिए उपयुक्त आलू है। लेकिन अगर आप नहीं मिले, सीजन कभी ऑफ में नहीं भी मिलता है, तो आप कोई भी आलू ले सकते हैं। एक साइज दे दे, कोई भी मीडियम साइज का आलू। आलू को हम छील देंगे पूरा। इस आलू में देखिएगा गड्ढे बहुत ज्यादा होते हैं। ये देखिए काला काला आपको जो दिख रहा है ना, ये गड्ढे बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरह से आप चाकू से या पतला कोई भी चीज से इसको छेद दे पूरा आलू को, कम से कम 6-7 जगह ऐसे, हाथ बचा के, नहीं तो उंगली में लग जाएगा। आराम आराम से छेद दे पूरे आलू को। जितना भी आप आलू बना रहे हैं, चाहे वो 1 किलो हो, आधा किलो हो, 1 पाव हो, पूरा आलू को ऐसे छेद दे। और आलू को छीलने के बाद पानी में जस्ट डाल दें, नहीं तो आलू हो जाता। देखिए पानी में भिगाने के बाद, देखिए इसमें से हम, देखिए पानी में से निकालें इसको, देखिए कितना ये, मतलब अंदर तक इसमें मसाले चले जाएंगे। इस वजह से हमने ऐसा आलू को छेदा है। और उसके बाद गैस का फ्लेम तेज करके हमने आलू को डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा ब्राउन हो जाने दीजिए, उसके बाद निकालिएगा। ये देखिए, ये जितने हमने चाकू इसमें लगाया है, देखिए सारे जगह का क्लियर आपको नजर आ रहा है कि बहुत जगह से छेदा हुआ आलू है। अगर ऐसे हम कितना भी छोटा आलू देते हैं और बिना छेदे डालते हैं, तो ये देखिए, ये दबा के देखिए, देखते हैं कितना ये अंदर से दब रहा है पूरा एकदम। और देखिए हमने हरी मिर्च लिया है, ये प्याज लिया है, 8-10 हरी मिर्च फाड़ के, 4 प्याज है, ये 6 टमाटर है, ये थोड़ा सा 10-12 काजू है, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। आलू मेरा ये 2 किलो है, और ये खड़े मसाले में 2-3 तेजपात हैं, 10 काली मिर्च है, 4-5 छोटी इलायची है, 1 जावित्री का फूल है, 2 बड़ी इलायची है, और ये जीरा है 1 चम्मच, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। ये हमारे तड़के का मसाले, ये मसाले, अब मैंने सूखा मसाला आपको दिखाना है। ये देखिए, ये धनिया पाउडर सबसे ज्यादा है। ये देखिए उंगली में मेरा चोट लग गया था, कितने दोस्त बोल रहे थे कि आप गंदा उंगली है, ये है, ये चोट लग गया था। तो यहीं पे हम मसाले डालते समय आपको सारा बता देंगे। ये देखिए, हम 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिए हैं। ये खड़े मसाले आपको हमने पहले बता दिया है, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जावित्री और तेजपात। हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हमने खड़े मसाले डाल दिए हैं, और इसको थोड़ा सा हम रोस्ट हो जाने देंगे। यहीं पे हम 5-6 जो हरी मिर्च फाड़ के रखे थे उसको भी डाल दिए हैं, और यहीं पे हम प्याज डाल देंगे। देखिए इस तरह से प्याज को बारीक काट दें, ताकि ग्रेवी आराम से बनता है। ये 1/2 किलो लगभग प्याज है, 2 किलो आलू के लिए, और 10-12 आदमियों के लिए उपयुक्त सब्जी है। 2 किलो आलू की, 12 आदमी आराम से खा लेगा इसमें। ये 20 रुपये का हाफ प्लेट हम बेचते हैं। और यहीं पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। देखिए हमारा प्याज उधर भून गया है, यहीं पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। और जो ये काजू है, काजू को हम पीस के डालेंगे। ये देखिए, ये देगी मिर्च है, ये देगी मिर्च पहले डालते हैं कि इसका कलर आ जाए। हम आपको पहले वीडियो में बता रहे थे कि देगी मिर्च का कलर पहले डालने से आता है। ये छोटा गरम मसाला है, ज़्यादा है, धनिया पाउडर है, हींग है, और आमचूर पाउडर है इसमें। ये छोटा छोटा 1 चम्मच, 1 चम्मच छोटा गरम मसाला, 1 चम्मच छोटा आमचूर, और 2 पिंच हींग था इसमें, क्योंकि उस समय भी हम बता नहीं पाए आपको। और यहीं पे जो काजू और टमाटर हमारा था, उसके हम ग्रेवी इसमें डाल देते हैं, और इसको भी बढ़िया से भून देंगे।
हमारा ढाबा का टाइम है नॉनवेज का सोमवार बुधवार शुक्रवार, और वेज का टाइम है बाकी जो दिन बचता है वो। देखिए इधर हमारा मसाला भून गए हैं, उसके बाद 2 किलो आलू जो हमने फ्राई कर रखा है इसी में हम डाल देते हैं और इसको हम मिला देंगे बढ़िया से, ताकि मसाले भी मिल जाए और ये मसाले आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें इतना हमने छेद कर दिया है कि आलू में आप देखिएगा छोटा आलू भी बिना छेद करके बनाएंगे तो अब उसमें मसाला अंदर नहीं होगा, लेकिन इस आलू में सारे मसाले जाएंगे अंदर, क्योंकि अंदर में पूरा पूरा गैप इसमें बन गया है। अब पानी अपने हिसाब से आप डालें और यहीं पर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं हम। इस तरह दम आलू बनाएं, बहुत ही बेहतरीन बनता है, और हमें जरूर देख के बताएं कि आपका दम आलू कैसा बना। आप जो भी कमेंट्स करते हैं उसको हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड करें। गैस का फ्लेम एकदम धीरे कर देंगे क्योंकि अब दम पे इसको पकाएंगे, और जो भी आप कमेंट करेंगे उसको भी हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करें। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा दम आलू बन के बेहतरीन तैयार हो चुका है। इस तरह से बनाए दम आलू आप, और हमें जरूर देख के बताएं कि आपका दम आलू कैसा बना। और आप भी जो कुछ इस बारे में जानते हैं किसी भी सब्जी के बारे में, तो हमें टिप्स और ट्रिक्स बताएं ताकि हम सबके साथ वो फॉलो करके दिखाएं। बहुत दोस्त हमारे हमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताते रहते हैं कि आप ऐसे डाले होते हैं, ऐसे किए होते हैं, तो हम उसका भी कोशिश करते हैं कि दिखाएंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई, तो फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।